जी परवाची संख्या होती 101, कालची संख्या आहे 105, म्हणजे ती संख्या वाढत वाढत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही जर का आपण त्याच्या लक्ष घातलं नाही तर. माननीय आयुक्त महोदयांना आम्ही सांगितलेलं आहे की पूर्वीच्या कालखंडात जसे कोविड सेंटर आपण सुरू केले होते त्या कोविड सेंटरच्या सगळ्याच यंत्रणा तपासून बघा, कारण त्याचा वापर करण्याची शक्यता होऊ शकते आणि ती वाढ होऊ नये म्हणून APMCला परत एकदा त्या ठिकाणी टिकून नजर ठेवा. जिथं बाजार भरतात तिथं नजर ठेवा. पोलीस यंत्रणा आणि महापालिका यंत्रणा ज्यांच्याकडे मास्क नाही किंवा जे लोक अजिबात ते शिस्त पाळत नाहीत अशा लोकांवर कारवाई करण्याची भूमिका घेणं गरजेचं आहे. हे कोविडच्या बाबतीमध्ये म्हटलेलं आहे. कोविडच्या बाबतीमध्ये मी आपल्याला मागं म्हटलं होतं की माननीय आयुक्तांनी 150 कोटी रुपये 15 लाख लोकांना फुकट लस देण्याकरता खर्च करण्याचं मान्य केलं होतं. आज आम्ही त्यांना सांगितलं ह्या बजेटमध्ये तरतूद करा, चुकून जर बजेटमध्ये केली नसेल तर सप्लिमेंटरी बजेट म्हणजे पुरवणी असलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये त्याचा समावेश करा. एकूण कोविड दुसरी लाट असं म्हणता येणार नाही, परंतु पहिल्याच लाटेच्या अनुषंगानं जाता जाता जीवाणू जे राहिले होते लोकांच्या बेफिकर वृत्तीमुळे पुन्हा त्याच्यामध्ये वाढ होऊन घातलेली आहे आणि ती थांबवण्याकरता सतर्क सगळे यंत्रणा व्हायला पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका आम्ही त्यांना सांगितली. DP प्लॅन के बारे में आयुक्त महोदय को मैंने बोला की आने वाले 8 दिन में ये DP प्लॅन पब्लिक के लिए फ्लॅश होना चाहिए, जाहीर होना चाहिए. वो बोले कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे, मतलब जल्दी से जल्दी कल भी होता है और 2 साल के बाद भी होता है. हमें 8 दिन की हमने बोला जब हम लोग वापस आएंगे आपको मिलने के लिए उस वक्त में DP प्लान फ्लैश हुआ होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ऐसा उनको बोला है हमने. नहीं मैंने आयुक्त महोदय से ये पूछा कि जब सिडको MD संजय मुखर्जी साहब के साथ में मेरे मुझे उपस्थिति में जब मीटिंग हुई थी वो मीटिंग में सिडको के कई अधिकारी और महापालिका के कई अधिकारी बैठ के जो DP प्लान में जिन प्लॉट का समावेश किया गया है वो पक्का करने के लिए वो मीटिंग होने वाली थी, वो मीटिंग हुई है. आज मैंने उनको बोला कि भाई आप जब हम लोग आएंगे तो उस वक्त में DP प्लान ही हमको आपने फ्लैश किया ऐसा दिखना चाहिए और उन्होंने उस पर हाँ भरी है. आप लोग भी उधर मौजूद थे. आज तक हमारे मेरे अंदाज से 29वीं मीटिंग है. इतना भी बराबर है ना. इन मीटिंग में कभी हमने महापालिका के अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं किया था, लेकिन मतदार यादि को लेके जो मसले सामने आ रहे हैं वो देखते हुए ये पक्का खबर है हमें कि कई अधिकारी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए कि कई लोगों से पैसा लेके 1-1 हज़ार नाम निकाले गए हैं और कहा जाके और रखे गए हैं कि वार्ड क्रमांक दशरथ जी भगत ने वार्ड क्रमांक 77 वार्ड क्रमांक 78 वो वार्ड से कई लोगों के नाम निकालने चाहिए, वो भी उन्होंने नाम दिए हैं एविडेंस के साथ दिए हैं और कई लाभ उसमें शामिल करने की ज़रूरत है वो भी एविडेंस के साथ में दिए, फिर भी वहाँ पे अधिकारी वर्ग कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है. हमने आयुक्त महोदय को बोला है यदि इसमें क्योंकि हम लोगों ने प्रभाग अधिकारी सहायक आयुक्त उपायुक्त महापालिका आयुक्त कलेक्टर कोकण आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर साथ ही साथ गवर्नर को अपोजिशन लीडर विधानसभा अपोजिशन लीडर विधान परिषद ये सब लोगों को हमने दिए और हम लोगों ने कोर्ट पे जाने की भी तैयारी रखी है क्योंकि ये एक अधिकारी कई लोग लालची में फिर से अपना जो पैसा लिया है ना वापस देना क्योंकि एक वोट के लिए 500 रुपया ऐड करने की नाम डालने का झूठा नाम डालने का 500 रुपया ऐसा रेट मैं सुन रहा हूँ. बात ऐसी है बहुत गंभीर है और इसके लिए हमने बोला कि यदि इसमें नहीं बदला हुआ तो हम लोग महापालिका के सामने आके यहाँ पे एजिटेशन करेंगे. ऑफिस आवर्स के बाद
ऑफिस आवर समझे 5:30-6 क्योंकि ज़्यादा कोई पेंडिंग हो 6 समझ सकते हैं, रात को 8:30-9 बजे तक ऑफिस में बैठ के ये कारोबार हो रहा है, रात के अंधेरे में कोई अच्छे काम नहीं होते। नहीं, मैंने आपको बोला कि हम लोग तो एजिटेशन करेंगे इधर आके, साथ ही साथ गवर्नर साहब से भी अभी मुलाकात करने वाले हम लोग, और आखिरी फाइनल कोर्ट हाई कोर्ट में भी जाएंगे, पक्का है। राज्यपाल महोदय को पत्र दे चुके हैं हम लोग, अभी उनसे मुलाकात करके उनका ध्यान उधर खींचने वाले हैं। देखिए बातें अंकुश नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि माननीय आयुक्त महोदय को इसकी गंभीरता हमने बताई है, उन्होंने एश्योर किया है कि इस बारे में हम लोग पूरी दखल दे देंगे, उसमें पूरा जो आप लोगों का कहना है वो वेरीफाई करके जो सच है उसको अंजाम देने का उन्होंने एश्योरेंस दिया हमें। हमने देखिए आज तक हमने वो लोगों ने मशीनरी का दुरुपयोग किया है ऐसा हमने कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया था, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो शहर में जो कुछ भी हलचल हो रही है उसके पीछे सरकार की ओर से दिए हुए आदेश का इधर कई लोग पालन कर रहे हैं। गलत होगा उधर जरूर उसने आदेश का पालन करना चाहिए, लेकिन दूसरे पे अन्याय करने वाला जो कोई आदेश होगा उसको अधिकारी वर्गों ने ना बोलना चाहिए, लेकिन कई जगह पे भूमिका संशयास्पद है, अभी हम नहीं बोलेंगे लेकिन वक्त आने के बाद जरूर उस पर हम लोग बोलने वाले हैं और जो करना है वो करने वाले। अधिकारी का रवैया देख के अभी दशरथ भगत जी ने बोला कि उन्होंने एक एक मतदार का पूरा रिकॉर्ड, उसका पैन कार्ड, उसका सिडको का कोई एविडेंस होगा, महापालिका का एविडेंस, मतदार यदि विधानसभा के इसमें जो समावेश है वो सब देने के बावजूद भी अधिकारी वर्ग उसमें कोई धस से फंस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो लोगों ने बहरा होने का नाटक उन्होंने शुरू किया है, वो नाटक हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। देखिए बातें हम लोग ऐसा इल्ज़ाम नहीं करते हैं, लेकिन आप जो बोलते हैं इसका मतलब कुछ तो भी होगा ऐसा आपको लगता है क्या? मैं आपको उल्टा पूछता हूँ। नहीं, मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, देखिए 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 हमें देखो, मैंने नहीं देखिए किसी इंसान का या पदाधिकारी का नाम लेके मुझे नहीं बात करनी है, लेकिन जिस ढंग से अधिकारी लोगों का बिहेवियर है ये इससे पता चलता है कान का किस पर एक दबाव आ रहा है, किसका आ रहा है मैं नहीं बोलूँ। दर याद्यांमध्ये झालेला घोल आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी त्या त्या प्रभागातल्या प्रभाग अधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त, आयुक्त, कलेक्टर, कोकण आयुक्त, निवडणूक अधिकारी या सर्वांकडे तक्रारी केलेल्या आहेत। या बाबतीमध्ये जर का सुधारणा नाही घडली तर या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या समोर येऊन आम्ही निदर्शनं करणार। हमारे संदीप नाईकने और दशरथजी भगतने उस पर ध्यान आकर्षित किया है कि कहीं अधिकारी जानबूझ करके अभी ये इनका कॉरपोरेटर लोगों का काम यानी कालखंड खत्म हुआ है क्या जरूरत नहीं है। आयुक्त महोदय को हमने बोला है कि भाई आमदार निधि के लिए जो हम लोगों ने सुझाव दिया है जिस वार्ड में काम करना है जल्द से जल्द वो कलेक्टर के पास जाना चाहिए, उसको सिक्का मुर्तब होना चाहिए वरना ये फंड लैप्स हो जाएगा। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।